भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भी भारत ने रूस के साथ अपनी नजदीकियों को कभी कम नहीं होने दिया। भारत पर अमेरिका, यूरोप समेत पश्चिमी देशों का काफी दबाव रहा, लेकिन भारत ने इसके बावजूद रूस के साथ उसकी दोस्ती पर इसका असर नहीं पड़ने दिया। रूस और भारत की इसी दोस्ती की मिसाल एक बार फिर से देखने को मिली है। भारत ने अपनी एक खुफिया युद्ध पोत का रूस में ट्रायल शुरू कर दिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण इस युद्ध पोत के परीक्षण में और देरी होने की संभावना थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब युद्ध पोत का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। भारतीय नौसेना के लिए कलिनिनग्राद में यंत्र शिपयार्ड में रूस द्वारा निर्मित दो अतिरिक्त ग्रीवाक यानी तलवार श्रेणी के स्टिल्थ फ्रिगेट में से पहले युद्धपोत INS तुशील ने 5 मार्च को समुद्री प्रशिक्षण शुरू किया है। ये एक मील का पत्थर है। भारतीय नौसेना के उन्नत स्टिल्थ युद्धपोत INS तुशील के ट्रायल का काफी समय से इंतजार किया जा रहा था। INS तुशील के परीक्षण की तस्वीरें भी सामने आई है। इसमें तुशील को बाल्टिक नौसेना बेस से प्रस्थान करते हुए देखा जा सकता है। समुद्री परीक्षणों के इस चरण में तुशील में वास्तविक दुनिया की स्थितियों में जहाज के प्रदर्शन, क्षमताओं और प्रणालियों का कठोर परीक्षण शामिल होने की उम्मीद है। ये परीक्षण ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि युद्धपोत भारतीय नौसेना की कठोर परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं। बता दें कि 2 साल पहले INS तुशील को रूस में यंत्र शिपयार्ड कलिनिनग्राद में पानी में उतारकर औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। अब इसको समुद्री परीक्षण के लिए उतारा गया है। तुशील भारत की रूस से डील के अंदर आने वाले 4 युद्धपोतों में से एक है। इनमें INS तुशील और INS तमाला का निर्माण रूस द्वारा किया जा रहा है। बाकी 2 का निर्माण तकनीक ट्रांसफर के जरिए भारत में हो रहा है। हालांकि रूस की ओर से युद्धपोतों की डिलीवरी में देरी हुई। पहले कोरोना महामारी और फिर यूक्रेन में युद्ध के कारण इनकी डिलीवरी में देरी हो रही है। बताया जा रहा है कि इस साल अक्टूबर में इसकी भारत को डिलीवरी हो सकती है। अक्टूबर 2016 में भारत और रूस ने 4 अतिरिक्त स्टिल्थ फ्रिगेट की खरीद के लिए एक अंतर सरकारी समझौते की घोषणा की थी, जिसके बाद सीधी खरीद के लिए $1 अरब के सौदे को अंतिम रूप दिया गया था। इसके तहत 2 युद्धपोतों का ऑफ द शेल्फ अधिग्रहण निर्धारित किया गया था, जबकि बाकी 2 के निर्माण का काम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को सौंपा गया। इस सौदे का मकसद भारत में 2 युद्धपोतों का निर्माण करना था, ताकि भारत को फ्रिगेट को निर्माण को लेकर टेक्नोलॉजी हासिल हो। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।